खबर आ रही है मथुरा से, जहां यूपीटीईटी परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को बिठाने के मामले में 10 लोगों को किया गिरफ्तार। संपन्न हुई यूपीटीईटी की परीक्षा में जिन व्यक्तियों ने मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दी है, वह सॉल्वर गैंग राधा रिसोर्ट होटल के बाहर इकट्ठा होकर रुपए का लेन देन कर रहे थे। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम ने एक बार की दबिश देकर कुल 10 व्यक्तियों को राधा रिसोर्ट होटल के पास से पकड़ा। पकड़े गए व्यक्तियों में से सॉल्वर गैंग लीडर विजय पुत्र बच्चू सिंह ने पूछताछ पर बताया कि आज हमने 7 लड़कों से मूल अभ्यर्थी के स्थान पर बैठाकर भिन्न भिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिलवाई है। वो मथुरा, राजस्थान व अन्य जगह पर भी इस तरह से एग्जाम्स सॉल्वर के माध्यम से करवा रहा था। एक कैंडिडेट से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने पर चार्ज करते थे। और जो इनके द्वारा मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, किस तरीके से करते थे, वो बेसिकली इम्परसोनेशन है। जो एडमिट कार्ड है उस पर लगी फोटो के हिसाब से ही सॉल्वर सिलेक्ट किए जाते थे, उस जैसे दिखने वाले सॉल्वर सिलेक्ट किए जाते थे। और जो सिलेक्टेड सॉल्वर्स हैं वो अपने आप को अभ्यर्थी बताते हुए वहाँ पर एंटर होने में जब सफल हो जाते थे और एग्ज़ाम देते थे, और एग्ज़ाम देने के बाद जब पास होते थे तो फुल पेमेंट जो है वो क्लाइंट से ली जाती थी, जो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये थी। इस पूरे गैंग के 10 मेंबर्स जो अरेस्ट हुए हैं, इसके अलावा अन्य और मेंबर्स के बारे में जानकारी हुई है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसमें पैसे देकर के अपनी जगह पर सॉल्वर्स बिठाए हैं, वो भी उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है, और जिन्होंने बाकी मध्यस्थता की है उनके भी नाम प्रकाश में आए हैं। जल्दी ही उनके ऊपर भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो इनके पूछताछ से जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे आगे इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को और सुदृढ़ कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी अहम जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं।